डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं खास टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूंगा। और ये टॉपिक क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये मैं कुछ लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। और इन लाइनों को सुनते ही आप खुद समझ जाएंगे कि आज का मौजू क्या है, आज का टॉपिक क्या है, आज का थॉट क्या है। कुछ इस तरह अर्ज किया है आपके लिए कि अब किसी दर पे कोई जंजीर नहीं है, अब किसी दर पे कोई जंजीर नहीं है, और इस जहां में कोई जहांगीर नहीं है। तो कुछ भी कहे तो कुछ भी कर बस याद रख, तो कुछ भी कहे तो कुछ भी कर बस याद रख, तो कुछ भी है मेरी खाते में तकदीर नहीं है। सो यू कैन नॉट बी द मेकर ऑफ माई डेस्टिनी, यू कैन नॉट बी द राइटर ऑफ माई फेट, माई फ्यूचर, माई लाइफ, माई डेस्टिनी। मेरी जिंदगी की कहानी मेरी जुबानी होगी और मेरी जिंदगी की कहानी मैं खुद लिखूंगा। आई विल बी द राइटर ऑफ माई सक्सेस, आई विल बी द राइटर ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी मुझे जहां तक ले जाएगी ये तय सिर्फ मैं करूंगा। मेरी जिंदगी मुझे कहां तक कामयाब करेगी ये तय भी सिर्फ मैं करूंगा। क्योंकि कोई दूसरा क्यों चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, कोई दूसरा क्यों चाहेगा कि मैं उससे आगे निकलूं, कोई दूसरा आखिर क्यों चाहेगा कि मैं इतना ऊंचा उठूं कि उसे रश्क हो जाए। आखिर कोई ऐसा क्यों चाहेगा? अगर कोई चाहेगा तो ये सिर्फ सिर्फ मैं होऊंगा। कोई ऐसा कर पाएगा तो ये सिर्फ सिर्फ मैं होऊंगा। और मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने में अगर कोई सबसे बड़ा मददगीर होगा जनाब, तो सिर्फ सिर्फ मैं होऊंगा। और इस रास्ते में चिराग कोई जलाएगा जनाब, तो कोई और नहीं सिर्फ सिर्फ मैं होऊंगा। मेरे रास्तों को आसान करेगा वो कोई और नहीं होगा, वो सिर्फ सिर्फ मैं होऊंगा। और इन रास्तों को पूरा करते हुए जब मैं थक के चूर बैठा होऊंगा, तो मुझे उस थकान के बाद आगे बढ़ने की जो उम्मीद देगा, आगे बढ़ने का जो हौसला देगा, वो भी कोई और नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ मैं होऊंगा। और जब मैं थक के चूर हो जाऊंगा, कई बार मैं गमगीन हो जाऊंगा, गमजदा हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, डिमोरलाइज हो जाऊंगा, तो कोई और नहीं, एक सिर्फ मैं ही होऊंगा जो मुझसे कहेगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड आई विल हैव टू डू इट। कि मैं ये करूंगा, मुझे करना है, और ये मुझी को तो करना है। इट इज आई हु विल डू इट। एक नई बात जोड़ूंगा मैं इसमें कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है नहीं, ये मुझी को तो करना है। क्योंकि जब ख्वाब मेरे होंगे तो उन्हें परवाज भी तो मैं ही चढ़ाऊंगा, उम्मीदें मेरी होंगी तो उन्हें अंजाम तक मैं ही तो पहुंचाऊंगा, आरजुएं मेरी होंगी तो उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश भी तो मेरी होगी ना। और जब ये सब कुछ मेरा होगा तो ये मैं ही होऊंगा जो उस दिन जब मैं कामयाब होकर कुछ बन जाऊंगा, जब मैं कामयाब होकर दुनिया के सामने सर उठा के खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं ही तो होऊंगा जो गर्व से सारे संसार के सामने खड़े होकर ये कह सकूंगा कि जी मैं ही हूं जो आज यहां तक पहुंचा हूं अपनी पूरी कोशिशों के साथ। हालांकि मुझे बहुतों ने हौसले दिए होंगे, मेरे बहुतों ने हाथ थामे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत मेरे हर रास्ते में सिर्फ मेरी होगी। मुझको सबसे बड़ी जरूरत मेरे हर मंजिल तक पहुंचने से पहले मेरी खुद के प्रोत्साहन की होगी, मेरे खुद के उत्साह वर्धन की होगी, मेरे खुद के मोटिवेशन की होगी। सो बिफोर दैट एनीबडी विल मोटिवेट यू, आई थिंक यू ऑल हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। आपको और मुझको या हम सबको दूसरों को मोटिवेट करने से पहले या दूसरों से मोटिवेट होने से पहले, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हमें खुद को मोटिवेट करना ही होता है। हम दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं, हमें होना ही चाहिए। हम दूसरों से रोशनी पा सकते हैं, हमें पाना ही चाहिए। मगर बंधुओं, कोई भी चिराग उस बुझते हुए चिराग को ही जला सकता है जिसमें उम्मीदों का तेल हो। और जब
उन चरागों में जहां उम्मीदों का तेल और आरजुओं का ईंधन ना हो, दुनिया की कोई भी शमा उन चरागों को रोशन नहीं कर सकती। हाँ, हम दूसरों की मदद तो कर सकते हैं बस, बट सबसे पहले हमें खुद की मदद करनी ही होगी। सो गाइस, यू हैव टू बिकम अ ग्रेट फोर्स फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू बिकम अ आर्मी फॉर योर बैटल फील्ड। अपने खुद की जंग के खुद ही मसीहा बनिए। आज की जिंदगी में किसी भी अर्जुन को कृष्ण नहीं मिलता जनाब। आज का मैदान जंग कुछ इस कदर खतरनाक हो चुका है, हैरत अंगेज हो चुका है। आज इस लड़ाई में आपको ही अर्जुन बनना होगा मित्रों, और आपको ही कृष्ण बनना होगा मेरे साथियों। सो गो इन टू द बैटल फील्ड विद योर सेल्फ यू नो डिफाइंड पर्सनैलिटी, योर सेल्फ इनहेंस्ड परसोना, योर सेल्फ मेड यू नो एटीट्यूड टू फाइट एनी बैटल ऑफ लाइफ, एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। उस दिन आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी और पर नहीं खुद पर यकीन किया है, आपने किसी और पर नहीं खुद पर विश्वास किया है। और जो खुद की उम्मीदों का हाथ थामे होते हैं, उनके ख्वाब हमेशा पूरे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और उस दिन आप कामयाब होकर दुनिया के सामने चेहरा बुलंद करके खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड दिस स्पीच। बाय, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स।